नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता मौत से ठन गई। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, ठन गई मौत से ठन गई। मैं जी भर जिया मैं मन भर मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन भर मरूं, लौट कर आऊँगा भूत से क्यों डरूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई किला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी, तन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, ठन गई मौत से ठन गई। प्रस्तुत कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तब लिखी जब वे 1988 में गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हुए और वे अमेरिका अपनी किडनी का इलाज करवाने के लिए गए। मौत से आम आदमी मैं आ बहुत डरते हैं, कौसो दूर भागते हैं, एक डर रहता है कि कहीं मौत ना आ जाए, लेकिन देखिए उनकी दबंगाई, उनकी बेबाक टिप्पणी इस पंक्ति में। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, सामने आकर खड़ी हो गई, रास्ता रोककर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। कितनी खूबसूरती से, कितनी दबंगाई से बेबाक पंक्तियां लिखी हैं उन्होंने। अमेरिका में इलाज करवाते हुए उनका कोई भी सगा संबंधी, कोई भी अपना उनके साथ नहीं था। डॉक्टर्स, नर्सेस, सहकर्मचारी सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनसे एक उनका रिश्ता कायम हो गया था, इसी रिश्ते को उन्होंने अपनी पंक्तियाँ। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार परायों से इतना मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। बहुत खूबसूरती के साथ अपने विचार को, अपने अनुभव को इन्होंने इन पंक्तियों में लिखा है। हर एक पंक्ति की व्याख्या करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। उस समय जब वो उस परिस्थिति से गुजर रहे थे, उनके मन में जो बातें आई उन्होंने इन पंक्तियों में लिख दी। मैं केवल अनुभव कर सकती हूँ कि उन्होंने किस तरह का अनुभव किया होगा उन कठिन परिस्थिति में बीमारी से जूझते हुए। कहीं थोड़ा सा डर तो होगा, शायद नहीं भी होगा। वो एक दबंग कद्दावर नेता थे, साहसी थे, इसीलिए उनका ये साहस, उनका तेज व्यक्तित्व उनकी इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी, तन गई मौत से ठन गई। उन्होंने ठान लिया था कि मौत से अर्थात इस गंभीर बीमारी से मुझे लड़ना है, इसे परास्त करना है, इस पर विजय पानी है, और आखिर उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने इस बीमारी को परास्त किया और पुनः एक नवीन स्वस्थ जीवन की शुरुआत की। 16 अगस्त 2018 को यह सहृदय कवि, कद्दावर नेता, प्रभावशील, ओजस्वी, सशक्त वक्ता सदा के लिए मृत्यु की चिर निद्रा में विलीन हो गया। श्रद्धा सुमन अटल बिहारी वाजपेयी जी।